गुड मॉर्निंग। सो कैसे मैं सही हो आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं आपको तो इशारा करते हैं नई वीडियो की शुरुआत नए दिन के साथ। दिन ऐसा है कि अभी हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है, मॉर्निंग का फर्स्ट बैच, और टाइम हुआ है 10:00, 5 मिनट आ गया वैसे ही घड़ी। और काजल आज से रेगुलर तो बोल रही है कि वो रेगुलर स्टार्ट करेगी क्लासेज अपनी, बट लेट्स सी कितना रेगुलर होती है। वैसे उसका नीज में पेन हो रहा है, पता नहीं क्यों, देखते हैं थोड़ा एक्सरे वगैरह करवाएंगे तो शायद फ़र्क पता चलेगा कि एक्चुअल में हुआ क्या है। तो कल मैडम आई है गाज़ियाबाद से, इसकी एक वेडिंग ब्राइडल वेडिंग ही होती है वैसे तो कल आई है रात को, मेरे ज़बरदस्ती ज्ञानीस लेकर आ गई जबकि मैंने मना किया था। और मैं मुझे सबसे सुबह उठा ना, मैं दिल से बोल रहा हूँ, वीडियो के लिए नहीं बोल रहा, कि मुझे सुबह उठते ही मैंने बोला यार क्या है यार खा लिया। उस टाइम खाए मैंने नहीं थे, इसलिए मैंने 13 वाला नहीं खाया। तूने भी मेरे को अपना दिया था ना कि मैं खा लूँ, लेकिन मैंने नहीं खाया वो, क्योंकि मेरा हैवी हो गया था। क्योंकि सुबह से लेके कल सुबह मैंने ग्रीन टी पी थी और पानी पिया था और मैं यहाँ आ गया था। दिन में मैंने प्याज की वो भुज्जी बनाई चने के साथ, और उसके बाद 2 ब्रेड पड़े हुए थे बहुत पुराने, वो कोई दिक्कत नहीं, कट रहा तो क्या दिक्कत है, तो वो मैंने भुज्जी खा ली थी, ठीक है, उसको छेद के एकदम चने को, और 3 ब्रेड के साथ। रात तक मैंने कुछ नहीं खाया, रात को फिर उसने दाल चावल बनाया था वो मैंने खा लिया था, सोच। और तो आइसक्रीम ले आई, पूरा सब वैसे ही हो गया यार, तुमसे पूछा था मैंने ये नहीं बोला था। अच्छा, मैंने बोला था कि मेरे लिए लेके आना, देख लो तो। हाँ तो देख लो क्या मतलब, या फिर डायरेक्टली मना बोल तो नहीं हम। चलो मेरी गलती है वैसे, सही कह रही है, अप्रिशिएट इस चीज़ को, हेल्दी चीज़ को लेके आया, अप्रिशिएट कर दूंगा मैं। मेरे लिए प्रोटीन मंगा, अप्रिशिएट पहले खाली तो करो प्रोटीन वाले जो अंदर रखे हुए हैं। ठीक है, चलो ठीक है, क्लास स्टार्ट होने वाली है उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। आज एसी लगना है, कल मेरा एसी आया है ये फाइनली क्रोमा का, और मुझे लग नहीं रहा, कल मेरी काफ़ी मतलब स्टूडेंट है और एक और एसी वाला आया था, वो कहते सर यहाँ पे तो डेट नहीं, आपका काम आ जाता नहीं क्योंकि ज़्यादा ही ठंडा रहता है ये पूरा स्टूडियो, क्योंकि एक तो बेसमेंट में हो गया ना ये, इसलिए आपको ठंडा मिलेगा पूरा। ऑलरेडी फिटिंग तो हो रखी है यहाँ पर, तो देखो ये फिटिंग वैसे इसके अलावा दूसरी वायर की रिक्वायरमेंट होती है या नहीं, क्योंकि 3 मीटर वायर तो आपको फ्री मिलती है, इंसुलेशन वगैरह ये सब फ्री है, क्रोमा का ये बेनिफिट हो जाता है। 3 हज़ार नहीं, क्रोमा से बेनिफिट ये हो जाता है, इंस्टॉलेशन फ्री होती है, जल्दी इंस्टॉलेशन फ्री नहीं होती है। क्रोमा मेरा एसी भी क्रोमा का है, टाटा का प्रोडक्ट है, वोल्टास और क्रोमा जैसे मैंने पहले बोला। चलो आते हैं, वो फिर कंटिन्यू करते हैं। Relax, enough for today. तो आधा घंटा तो हमें अभी ये फिक्स करने में ही लग गया कि कहाँ पे लगनी है, और इससे पहले यहाँ पे ये जो वायरिंग थी इनबिल्ड हो रखी थी, लेकिन अब इनबिल्ड मतलब काफी टाइम हो गया तो इसलिए ये सारी मतलब डैमेज हो चुकी है, बाहरी बाहर से वायर जाएगी, बड़ा थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन ठीक है कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। और एक एसी तो हमारा पहले तो ये वाला लगा हुआ था, लेकिन अभी ये एसी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है तो इसको हटा के अब हमने ये वाला लगा रहे हैं। फ्रिज एसी देखो ये कितना इलेक्ट्रिसिटी लेता है, क्योंकि कई बार महीने में 7,000, 8,000, 9,000, एक बार तो मतलब इतने दिन बिल आ जाता है, जबकि 4-5 मिनट ये एसी चलता है, सोचो। तो अब फिलहाल ये वाला एसी लगा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अब इस एसी को लगाने के बाद इस एसी की नीड पड़ेगी चलाने की, बट बाहर हमने लगाया इसका कंप्रेसर लगाने में बड़ी दिक्कत आ रही थी, सोच रहा था आज जाके मैं रेस्ट करूँगा थोड़ा, क्योंकि 5 बजे से फिर क्लासेज है, मुझे लग रहा है कि 2-3 घंटे मेरे यहीं लगने वाले हैं। बहुत दिक्कत आ रही है एसी लगाने की, पहले तो हम ये सोच रहे थे कि यहाँ पे ना लोगों का बड़ा इशू आता है कि कहाँ लगाएं, फाइनली एक जुगाड़ बैठ गया हमारे एसी लगाने का, कंप्रेसर सॉरी, यहाँ इस साइड अगर कम हुआ होता है तो यहाँ पे दूसरे घर वाले इनको इशू आ जाता है कभी ना कभी, तो यहाँ पे नहीं लगा सकते। और क्या बोल रहा है, लगा हुआ है कैसे भैया? तो फाइनली ये बन रहा है। सो क्लास लेने के बाद अपने एसी उसी लगाने के बाद आ गया हूँ मैं घर में अब, और काजल बना रही है दाल चावल, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी मेरी,
काजल तो कह रही थी दाल चावल बना लो, मैंने कहा मेरे में तो हिम्मत नहीं है, एक काम करते हैं बाहर से मंगा लेते हैं वही खा लेते हैं। लेकिन नहीं, कपड़े एक तो मशीन वो डेली लगा देती है, मुझे समझ नहीं आता वो हर इतनी मशीन कैसे हो जाती है, लेकिन ठीक है कपड़े हो जाते हैं वैसे। और मैं आया तो उसने अभी दाल चावल भी बना रखे थे, दाल चावल और आलू की सब्ज़ी। उसको आलू की सब्ज़ी बनाने का पता नहीं क्या शौक है, आलू की सब्ज़ी मुझे लगता है कि 2 मिनट में बन जाती है ना, इसलिए उसने जल्दी से बना दी है। तो ठीक है अब मैं फ़िलहाल खाना खुना खाऊँगा, उसके बाद थोड़ा नहाऊ के आता हूँ, उसके बाद फिर कंटिन्यू करता हूँ। पैकिंग वुकिंग भी करनी है, अभी तो कुछ भी नहीं हुई, कल जाने का मतलब है हमारा बनारस। तो अभी कैमरा वगैरह अपना चार्ज में लगाया है, सोच रहा हूँ कैमरे से वीडियोस बना लूँ या फिर आईफोन से वीडियो बनाऊँ, क्योंकि आईफोन से भी ठीक बनती है वीडियो, कैमरे से ये होता है कि हर जगह लेके जाना पड़ता है ना, कैरी करना पड़ जाता है, वो इशू आ जाता है, तो फिर इसलिए तो ठीक है देखते हैं। बट नहीं, कैमरा भी लेके जाऊँगा, फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ ना बनारस, इससे पहले मैं कभी बनारस नहीं गया। मेरा भाई तो खुद ही BHU से पास आउट है, तो वो तो बनारस से उसका डेली आना जाना था ही, बनारस में ही है BHU, तो मैं नहीं कभी गया। तो फाइनली मैं आ गया हूँ क्लास से घर वापस रात को, और रेडी होने का टाइम नहीं है, 7 बजे आंटी के घर यहाँ फंक्शन है, इनके बेटे की शादी है तो वहाँ जाना है, रेडी हुआ नहीं, ऊपर से जैकेट लाई है, जैकेट जैसे मैंने पहनी है, खुद मैडम रेडी हो गई है, तो ब्लैक ब्यूटी ठीक है यही। वैसे 5 मिनट में पहली बार हुई हो तुम, इतनी कट्टो कट रेडी सो गई थी ना, सच बता दे। चल ठीक है जा रहे हैं आंटी के घर, आंटी घर से आते हैं, अभी तो पैकिंग वुकिंग कुछ भी नहीं हुई है, पहले तो चलते हैं कल, मतलब कल हम रात को जा रहे हैं, सुबह के मेरे मॉर्निंग बैच है, अभी पहले इनके घर होके आते हैं, क्योंकि एक बार भी नहीं गए, कल इनकी शादी है फाइनल, तब वो तो हम जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सुबह शाम को 8 बजे हमें निकलना है, तो अभी फ़िलहाल जा रहे हैं आंटी के, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं क्लास में, अब आ रहा हूँ 10 बजे में। आ गए हम नीचे से आंटी के घर से, थक गए यार 2 घंटे लग गए, कल शादी है उनके वहाँ तो इसलिए जा तो पाएंगे नहीं, क्योंकि कल हम जा रहे हैं बनारस रात को 8 बजे। और ये मैडम हमारी, सुनो शॉपिंग हो गई तुम्हारी? कौन सी शॉपिंग? जाने की, क्या ही शॉपिंग की मैंने बताऊं? क्यों आपने कुछ दिलाया? आज कल हमें 8 बजे जाना है यहाँ से, निकलना है 8 बजे, निकलना नहीं है हमें 6 बजे, 8 बजे हमारी ट्रेन है, 6 बजे यहाँ से निकलेंगे, इवनिंग के बैच सारे ऑफ कर दिए हैं 4 दिन के लिए, उसके बाद 3 दिन बाद हम बनारस घूम के आएंगे। मेरी पैकिंग वोकिंग कुछ भी नहीं हुई अभी, तुमने करी क्या? काकी धुले थे कपड़े आज, सूट्स वगैरह तो ले आई है ये, लेकिन पैकिंग वगैरह भी हमारी कुछ भी नहीं हुई है, क्या हुई क्या नहीं कुछ भी नहीं पता, थक गए हैं, कल सुबह 10 बजे क्लास है, उसके बाद फिर देखो थोड़ी शॉपिंग शॉपिंग कुछ अगर हो जाए तो अच्छी बात है। तो वीडियो एंड करते हैं, हेक्टिक डे था, एसी वाले ने 6 घंटे मेरे वेस्ट कर दिए, चलो हर चीज़ ज़रूरी होती है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब यार यूट्यूब चैनल शॉर्ट इज लाइफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय।